top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businessmen. Big Tech, excellence with values. ये भी रखा कि एक मुख्यमंत्री को क्या आंखें बंद करनी चाहिए. जनता ने हाथ उठा करके कपोल ध्वनि से कहा नहीं, और ऐसे भ्रष्टाचारी को हम यहां से हटाएंगे. मैं तो पहले भी कहता था कि दुनिया में पाप कर लो, उत्तराखंड की भूमि में आओगे, यहां स्नान करोगे गंगा में तो आपके पाप धो जाएंगे, पर देवभूमि में पाप करोगे, देवभूमि में भ्रष्टाचार करोगे तो कहीं भी आपको निजात नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको जो है बचने का मौका नहीं मिलेगा. एक बहुत गंभीर प्रकरण मेरे सामने आया जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. हरीश रावत का माफिया तंत्र धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हुई जमीनों को हड़पने में लगा हुआ है. हरिद्वार में सिख समाज से संबंधित धार्मिक संस्था निर्मल विरक्त कुटिया की कई सौ करोड़ की जमीन को हरीश रावत अपने माफिया सलाहकारों एवं भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से हड़पने का प्रयास कर रहे हैं. से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एक मुकदमा 181/16 अंडर सेक्शन 307 आईपीसी पंजीकृत किया गया. इस मुकदमे की सीबीआई से जांच न केवल प्रकरण की सत्यता की निष्पक्षता से परीक्षण हेतु तो आवश्यक है, बल्कि किन लोगों के प्रभाव में और किस उद्देश्य से यह सब हो रहा है सामने लाने हेतु आवश्यक है. मैं सीधे तौर पर चुनौती देता हूं कि एक उच्च स्तरीय जांच कराते हुए हरीश रावत के सबसे मुख्य सलाहकार रंजीत रावत एवं हरिद्वार जनपद के वर्तमान एसएसपी राजीव स्वरूप का नार्को परीक्षण कराया जाए, और यदि जांच में निर्मल कुटिया की जमीन को हड़पने में इन लोगों की संलिप्तता की पुष्टि नहीं होती है तो मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लूंगा.